एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम्स के बारे में डिस्कशन किया और हमने उनके डिफरेंट फाइलम्स के करेक्टरिस्टिक्स उनके फीचर्स के बारे में जाना अब तक जो वीडियोज़ हमने देखे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम्स जैसे कि पोरीफर्स जो कि स्पॉन्जेस होते हैं सिलेंट्रेट्स जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स और प्लेटे हेलम्थिस की हमने बात की थी जो कि फ्लैट वाम्स कहलाते हैं मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वोम्स किसे कहते हैं तो वोम्स एक बहुत ही जनरल टर्म है इसको हम टेक्सोनिक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं इनफैक्ट वॉम्स कई तरह के हो सकते हैं क्रीपी लुकिंग क्रीचर्स जो थोड़ा सा क्रीपी दिखते हैं हिंदी में आप इनको नॉर्मल जो कीड़े बोलते हैं इंसेक्ट बोलते हैं उनको आप वॉम्स भी कह सकते हैं लेकिन टेक्सोनमिक पोजिशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वॉम्स अलग अलग फाइलम्स में मिलते हैं इनफैक्ट फ्लैट वाम्स जो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल देखा था टीनिया सोलियम लिवर फ्लूक ये भी वॉम्स हैं और आज जो हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं वो भी एक तरह का वॉर्म है आगे चलकर आने वाले वीडियोज में एनालिट्स यानी कि अर्थ वार्म जैसे ऑर्गेनिजम्स भी वॉम्स कहला सकते हैं सो दिस फाइलम इज एस्कल एस्किल्स बेसिकली रिप्रेजेंट टू द वॉम एंड दिस आर राउंड इन शेप ये फ्लैटेंड नहीं होते हैं राउंड होते हैं इसलिए इनको हेलमेंट्स कहा जाता है एस्कल हैलमेंट्स कहा जाता है सो so, सबसे पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम ग्रेजुअली अपने डिस्कशन में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें ऑर्गेनिजम्स की तो कहीं ना कहीं वो यूनिसेलो ऑर्गेनिजम्स से स्टार्ट हुए थे फिर मल्टी सेलो ऑर्गेनिजम्स बने फिर कॉलोनियल लाइफ फॉर्म आई और फिर धीरे धीरे जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका ग्रेड है वो इम्प्रूव होता चला गया और अब हम पहुँच चुके हैं एस्कल हेलमथीज़ पर जिनमें ट्रिप्लो स्ट्रक्चर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हम पहले देख चुके हैं जब एम्बरानिक डेवलपमेंट होता है तो ऑर्गेनिज्म बनते समय यहाँ पर दो के बजाय तीन लेयर्स होती हैं यानी कि एक्टोडर्म मिजोडोम और एंडोडर्म तीनों ही इसमें प्रेजेंट होती हैं लेकिन अभी भी इनमें सिलोम या बॉडी कैविटी का पूरी तरह फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है लेकिन एक प्रिमिटिव सिलोम इनके अंदर मिलती है इसलिए इनको हम सीरोसिलोम भी कहते हैं इसके अलावा ये बायोलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि बायोलेट्रली bilater सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को बीचों बीच से डिवाइड कर दें कट कर दें तो उसके कोई दो पार्ट आपको जो आइडेंटिकल मिल पाए उस सिचुएशन को हम बायोलेट्रली सिमेट्रिकल कहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे लाइकली टू बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड हम मेटामेरिज्म की आगे चलकर बात करेंगे हालांकि इनमें पूरी तरह कंप्लीट मेटामेरिज्म नहीं होता है लेकिन इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है इसको ट्रू मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे ये एक फॉल्स मेटामेरिज्म होता है या सेगमेंटेशन होता है जो इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है प्लेटे हेलमथीस के फाइलम्स के साथ अगर हम इनको कंपेयर करें जो कि पिछला फाइलम था जिसमें फ्लैटेंड बॉडी थी यहाँ पर डॉसोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी नहीं होती है इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं वो ये कि जो प्लेटी हलमंथीज थे उनमें जनरली सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि जब वो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो सक, आ, सकर्स और उन हुक्स की मदद से बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को रोक के रखते हैं स्टेबलाइज रखते हैं बट अनलाइक देम उनके कॉन्ट्रास्ट में ये फ्रीली मूविंग होते हैं इनको एक जगह रोकने की हुक करने की ज़रूरत नहीं होती है दे आर मोटाइल एंड दे कैन मूव इन इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिजम्स और ये दोनों तरह के हो सकते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ज़मीन पे मिट्टी में रहने वाले हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं तो पैरासिटिक फ्री लिविंग प्लांट्स एनिमल्स सभी के अंदर पैरासाइट्स की तरह ये मिल सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखे जा सकते हैं इसके अलावा इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कम्प्लीट होती है ये एक बड़ा एडवांसमेंट है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीट होने का मतलब है दैट इट इज़ अ कंप्लीट ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस वेर द फूड गोज इन साइड जहाँ फूड अंदर जाता है इट गेट एब्जॉर्ब एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड आउट सो दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेक्सेस आर सेपरेट दैट मीन्स दे आर डायोशियस इन नेचर दे हैव मेल्स एंड फीमेल्स ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो अ सेक्शुअल डायमोरफिज्म इनमें सेक्शुअल डायमोरफिज्म भी होता है जैसे कि ह्यूमन्स में होता है मेल अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम फीमेल तो इन ऑर्गेनिजम्स में भी मेल फीमेल से अलग होता है दिखने में और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इम्पॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक है इस पर्टिकुलर फाइलम का आइए अब आगे देखते हैं कि इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और क्या होते हैं और किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर इस फाइलम को फर्दर क्लासीफाई किया गया है तो आप जानते हैं कि टेक्सोनिक ग्रुप्स जो हैं उनमें फाइलम के बाद क्लासेस होती हैं एस्कल हेलम्थी इस फाइलम को तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिसमें से पहली क्लास निमाटोडा है और इस निमेटोड्स के अंदर लगभग सारे कैरेक्ट्रिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किए इस फाइलम के प्रेजेंट होते हैं इसके दो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर आप जुलॉजी की बुक्स में पढ़ेंगे एक है एस्कैरिस और दूसरा सी एलिगेंस एस्कैरिस एक पैरासाइट है और सी एलिगेंस एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है जिसके बारे में हम कुछ समय बाद डिस्कशन करेंगे इसके अलावा दूसरा जो क्लास है क्लास नंबर टू दैट इज कॉल्ड एज निमेटोमॉर्फा निमेटोमॉर्फा क्लास स्लाइटली डिफरेंट होती है निमेटोडा से uh, एक पर्टिकुलर पॉइंट में दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ क्लोका दैट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड फीसिस दैट मीन्स फूड मटेरियल एंड यूरिन दोनों के एक्सक्रीशन के लिए दिस क्लोका इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड बोथ दोनों सेक्सेस में क्लोका प्रेजेंट होता है एंड देर इज एब्स ऑफ लेटरल कॉर्ड एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम तो क्योंकि इनमें क्लोका प्रेजेंट होता है इनमें अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है गॉडियस एक्वाटिकस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास निमेटोमॉर्फा देन थर्ड क्लास इसकी जो तीसरी क्लास है उसका नाम है रोटीफेरा रोटीफेरा अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इनमें एक रोटेशनल या चर्निंग सिस्टम होता है घूमने वाला सिस्टम होता है ये एक फ्लैजुलर सिस्टम के थ्रू आसपास के प्रेजेंट वाटर को या मीडिया को तेजी से रोटेट करते हैं जिसको हम व्हील कहते हैं और इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को एक जनरल टर्म में व्हील एनिमिक्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें एक सिलियरी ऑपरेटस होता है सीलिया का बना होता है और ये जो सिलियरी अप्रेटस है ये उस लिक्विड को सराउंडिंग मीडियम को तेजी से घुमाकर इनको फूड एक्वायर करने में या मूवमेंट करने में मदद करता है स्ड इन टर्म्स ऑफ द मस्कुलर डेवलपमेंट इनमें मसल डेवलपमेंट भी होता है इनमें मूवेबल जॉज होते हैं और एक फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है इंटरेस्टिंगली इनका जो एक्सक्रिटरी सिस्टम है वो भी काफ़ी डेवलप्ड होता है और विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियोज द फ्लिकर लाइक फ्लेम्स इस तरह की फ्लेम सेल्स इनके एक्सक्रेशन के काम आती हैं इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस ब्रैंकियोनस रूबिन्स सो so, ब्रैंकियोनस रूबेंस इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ रोटिफर्स तो ये तो बात थी एस्कल हेलमथीज के एक जनरल क्लासिफिकेशन की राउंड वॉम्स के एक जनरल क्लासिफिकेशन की अब इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं एस्कल हेलमथीज में एक जो पैरासाइट होता है जिसका नाम है एस्कैरिस हमने पिछले वीडियोस में जब कुछ और हम वॉम्स की बात कर रहे थे उस समय भी हमने फ्लैट वॉम्स के बारे में डिस्कशन किया था और देखा था कि उनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है और वो ह्यूमन के अलावा बाकी बाहर के एनवायरनमेंट में सॉइल में या किसी दूसरे एनवायरनमेंट में अपना बाकी का बचा हुआ लाइफ साइकिल पूरा करते हैं एस्कैरिस दूसरे ऑर्गेनिज्म के बजाय फ्री ओपन सॉइल में अपना बाकी का लाइफ साइकिल पूरा करता है तो क्या आपको कुछ आइडिया है इस बारे में डू यू हैव एनी आइडिया दैट हाउ एस्करिस ग्रोज इन साइड body बॉडी एंड वॉट हैपन्स इफ एस्करिस इज प्रेजेंट इन साइड इन ह्यूमन बॉडी एज अ पैरासाइट क्या उसके कोई नुकसान है किस तरह की बीमारी हो सकती है क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो कैसे हमारे शरीर में आ सकता है क्या उसका कोई क्योर भी है थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल एंड वी विल बी बैक शॉर्ट ब्रेक हेलो एवरीवन थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर सचिन कुमार और एस चंद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएं। वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी ब्रेक से पहले हमने एक क्वेश्चन की बात की थी कि एस्कैरिस आखिर क्या होता है और वो हमारे शरीर में कहां से आता है तो कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे इससे पहले कि हम एस्कैरिस के बारे में जाने कुछ स्पेसिफिक यानी कि आइडेंटिफाइंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देख लेते हैं जो कि एस्कैरिस और बाकी एस्कल हैलम्थीज में प्रेजेंट होते हैं सो so, ये आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं सीडो नेचर जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि दे डोंट हैव अ ट्रू सिलोम यानी कि इनके अंदर एक ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है दे आर सीडो सिलोमेट एक फॉल्स सिलोम होती है कैविटी तो होती है बट दैट इज नॉट बाई अ जनरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो इमरानिक डेवलपमेंट का यूजल प्रोसेस है उसके थ्रू डेवलप नहीं होती है और या तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं या फिर ये सुपरफिशियली सेगमेंटेड होते हैं तो हम जो बात कर रहे थे इनके बॉडी में पार्ट्स होंगे अलग अलग हिस्से होंगे आगे चलकर हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का एडवांसमेंट हुआ एवोल्यूशन हुआ ये सेगमेंटेशन एक मल्टी सेलर बड़े ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है लेकिन यहाँ पर अभी ट्रू सेगमेंटेशन जो इंटरनल सेगमेंटेशन है अंदर की तरफ से वो अभी ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट नहीं होता है इनका जो सेगमेंटेशन है ये सुपरफिशियल यानी कि एक्जोस्केलेटन या फिर आप अगर एम्ब्रायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक्टोडर्म मीडिएटेड होता है एक्टोडर्म जो है वो डिवाइड करती है ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट में इसलिए ये सुपरफिशियली सेगमेंटेड है जो कि आने वाले आगे के हायर फाइलम से थोड़ा सा इन्फीरियर है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से हाई टेम्परेचर से या फिर कुछ केमिकल से दैट बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड विद अ क्यूटिकल सो दैट क्यूटिकल फॉर्म्स एग्जोस्केलेटन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिज्म का एग्जोस्केलेटन बनाता है दैट ऑल्सो गिव्स दम अ स्लाइमी अपेयरेंस इनको स्लाइमी अपेयरेंस भी मिल जाती है एंड दे हैव अ नॉन मस्कुलर इंटस्टाइन एंड अ पोस्टीरियर एनस सो वट डज दैट मीन इनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें हम जैसे पेरिस्कलेटिक मूवमेंट्स नहीं होते हैं यानी कि हम जब खाना खाते हैं सो वी कैन हैव द बाउल मूवमेंट्स एंड द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स कैन ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन बट दे डोंट हैव अ मस्कुलर इंटस्टाइन येट दे हैव अ कम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल अनलाइक प्लेटीहल एंड पोरीफर्स इन सिलेंट्रेट इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और क्योंकि वो कम्प्लीट होती है दे ऑल्सो हैव एन एग्जिट पोर फॉर द फूड मटीरियल दैट इज पोस्टीरियर पोस्टीरस now, if you talk about ascaris, a characteristic organism. so, historically, ascaris pohotlambe time say, jana jata, hai. several centuries have elapsed when ascaris was discovered for the first time. in fact, you can see a very historical note from 16th to 17th century where diagrams of such kind of worms, round worms, were available in the early literature, Ye available the, and they were extracted either from soil, मिट्टी में जो कि जहाँ पर ह्यूमन फीकल वेस्ट प्रेजेंट होता है ह्यूमन फीसिस में भी इनके वॉर्म्स या इनके एम्ब्रायस वो देखे गए थे और ये वॉर्म्स जो हैं काफ़ी लंबे काफ़ी बड़े साइज के भी हो जाते हैं यूजली तो आ, ये कुछ सेंटीमीटर से कुछ मिलीमीटर के होते हैं लेकिन इनकी जो अपर लेंथ है आप देख सकते हैं यहाँ पर दे कैन ग्रो अप टू 35 फाइव सेंटीमीटर्स सो यू कैन इमेजिन आई मीन दिस मच बिग दे कैन फिल आवर इंटेस्टाइन वो हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर सकते हैं इतने बड़े ये हो जाते हैं हालांकि इनकी थिकनेस जो है इनकी जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है दैट्स क्वाइट स्मॉल एंड ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं और जब ये ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर इंटस्टाइन में रिजाइड करते हैं इंटस्टाइन में रहते हैं तो उनसे होने वाली जो बीमारी है उसका नाम होता है एस्कैरियास ओके सो एस्कैरियास is basically the infection of ascaris in the human intestine now it is estimated that one sixth of the human population is infected by ascaris lumbricoides or uh, it is also called as alternate roundworm so, yani believe that human population is infected ascaris. every sixth person in the world is infected by ascaris एंड देर इज़ ऑल्सो अ ग्लोबल एस्टिमेट जो कंट्रीज़ जहाँ पर फीकल हाइजीन नहीं है जहाँ पर प्रॉपर वाशरूम नहीं है लोग ओपन एरियाज़ में डेफिकेशन करते हैं उन एरियाज़ में इनके इन्फेक्शन के होने की बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं सो so, जो पोअर इकोनॉमीज़ हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं दे आर एट द मैक्म रिस्क एंड देव द हाइस्ट प्रेविलस ऑफ द एस्कैरिस इन्फेक्शन सो सिंस इट इज़ प्रेवीलेंट वर्ल्ड वाइड एंड एज आई मैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज दो रीजंस हैं इसकी स्प्रेड के एक वो ये कि जहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रापिकल कंट्रीज़ हैं यहाँ टेम्परेचर एलिवेटेड होते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है सो दैट कंडीशन इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ़ दिस ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड थिंग इफ कंट्रीज़ आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमिकली पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ वेयर देर इज़ नॉट गुड हाइजीन जहाँ पर हाइजीन और डेफिकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज एम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पर इनके स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो अब हम बात करेंगे कि एस्करिस का लाइफ साइकिल कैसे होता है लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हो, लेकिन दिस आर द पिक्चर्स विच आर शोइंग प्रेजेंस ऑफ एस्कैरिस इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन कई बार जब बहुत ज़्यादा एस्करिस एक्यूमुलेट हो जाता है स्टोमक के अंदर तो ऑपरेट करके उसको बाहर निकालना पड़ता है मेडिसिन काम नहीं आती हैं लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इंटेस्टाइन के अंदर यू कैन रिलेट द साइज ऑफ दिस वॉर्म सो सच काइंड ऑफ आर मोस्टली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन आर ऑफन रीचिंग रीचिंग टू द इंटेस्टाइन बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड फूड लेने से इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं एंड देर कैन बी सेवरल थाउजेंड्स ऑफ एस्कैरिस इन साइड एन इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन हु इज सीवियरली इंफेक्टेड और जिसका लंबे समय तक उपचार नहीं किया गया हो तो यूजली इनकी वजह से क्या होता है जब ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन ब्लीडिंग एंड सीवियर पेन इन द स्टमक चिल्ड्रन आर एट द हायर रिस्क चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं क्योंकि दे आर लेफ्ट आउट एंड दे डू नॉट मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन इफ दे आर नॉट सुपरवाइज तो ये कैसे स्टमक तक पहुंचता है और एस्केरिस कैसे अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है उसके बारे में देखते हैं सो सिंस इट इज़ अ साइकिल वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनी कहीं से शुरू कर सकते हैं मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये अगर ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्ट वॉम्स ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर ही रिप्रोडक्शन करके और वहाँ एग्स प्रोड्यूस करते हैं और जब ह्यूमंस डेफिकेट करते हैं जब वो फीसस रिलीज करते हैं तो उस फीसस में इनके नॉन फर्टाइल एग्स जो हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं इनके जो गेमिट्स हैं आप कह सकते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं एंड दे देन फ्यूज दे आई मीन अंडर गो फ्यूजन टू फॉर्म अ जाइगोड विच इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सो फर्टिलाइजेशन हैपन्स आउटसाइड बट द रिलीज ऑफ गैमिट्स टेक्स प्लेस इन साइड द ह्यूमन बॉडी अब ये जो फीस है अगर फीकल मैटर जो है एक्सटीरियर में रिलीज किया गया है ओपन स्पेस में रिलीज़ किया गया है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसका एम्ब्रैनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और जो ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशनस होती हैं सॉइल की कंडीशन होती हैं वो बिल्कुल फेवरेबल होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे इट अंडरगोज एम्बरा डेवलपमेंट इसमें डेवलपमेंट होता है और इनकी इन्फेक्टिव स्टेट लार्वा लार्वल स्टेट जो होती है वो बहुत ही इन्फेक्टिव होती है एंड दे कैन रिमेन अटैच टू आइदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और एनी अदर प्लांट पार्ट विच इज़ ग्रोइंग इन द एरिया विच हैज़ कंटामिनेटेड सॉयल तो जो कंटामिनेटेड एरियाज़ हैं कंटामिनेटेड आप कह सकते हैं सॉयल फ्रूट्स लीफ वेजिटेबल्स उन्हीं से इनकी एम्ब्रैनिक स्टेज लार्वा जो है वो हमारी इंटेस्टाइन तक पहुंच सकते हैं अगर हम फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली वॉश नहीं करेंगे तो ये हमारी इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएंगे और एक बार ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं देन दे कैन ऑल्सो रीच टू मैनी अदर पार्ट्स if intestine limited the They can also enter into the bloodstream, they can enter into lungs, they can go to trachea and many other places. So by a pharynx they can directly go into intestine, but they, their larvae can actually move in different parts of your body. However, they do not mature at other parts so you may not find ascaris in your lungs as a complete adult organism. but gradually their small larva, their small legs, कैन कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो फाइनली इट रीचेज इन टू इंटस्टाइन एंड इट ग्रोज इन टू फुल लेंथ एंड द रिजल्ट इज वॉट यू सी इन दिस पिक्चर ये है इसका रिजल्ट और इट कैन कॉज एस्कर सो अपार्ट फ्राम दिस इसके अलावा एस्करासिस के अलावा और भी बहुत सारे वॉर्म्स हैं राउंड शेप के होते हैं जो सीडोसिलोमेट होते हैं बट दे आर लेस less prevalent. दैट्स why दे आर नॉट talked मच इन the बायोलॉजी बुक्स लेकिन एक वॉम के बारे में मैं और थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा उसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा जो कि फ्री लिविंग है जिससे कोई बीमारी नहीं होती है और उसका नाम है सिनोरेबडाइटस एलिगेंस, शॉर्ट में उसको हम सी एलिगेंस भी कहते हैं आई होप आपने उसका नाम सुना होगा सी एलिगेंस का सी एलिगेंस एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है सो so, कुछ और चीज़ें हैं एस्कैरिस के बारे में जो हम जानने में इंटरेस्टेड होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो है इस एस्कैरिस के पैरासिटिक अडाप्टशंस पैरासिटिक अडाप्टशन का मतलब है कि वो इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर बहुत एसिड होता है इंटेस्टाइन एल्कोलाइन होती है लगातार डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते रहते हैं तो आखिर एस्कैरिस उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन कैसे कर पाता है दे आर कॉल्ड एज पैरासिटिक अडाप्टंस तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है एक पहली चीज जो है इसके ऊपर एक टफ थिक एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है यानी कि इसके ऊपर एक बहुत ही मजबूत कोटिंग होती है जो कि इसको होस्टाइल एन्वायरमेंट एसिडिक एल्कोलाइन और एंजाइमेटिक एन्वायरमेंट से बचाती है अनलाइक फ्लैट फ्लैटफॉर्म्स जहां पर हुक्स और सकरर्स थे जिनकी बात मैंने पहले की थी उनके कंपैरिजन में इसके पास लोकोमोशन यानी कि मूव करने की एबिलिटी होती है ये अपने आप को एक जगह हुक करके नहीं रखता है बल्कि इंटेस्टाइन में मूव कर सकता है और जहाँ पर भी इसको आई मीन फूड रिच एरिया मिलता है वहाँ से ये फूड एब्जॉर्ब कर लेता है और जो इंटेस्टाइन के पेरिस्किलेटिक मूवमेंट है क्योंकि जैसे हमारा बाउल मूवमेंट होता है फूड एक्सक्रीट होता है तो ये उस बाउल के साथ एक्सक्रीट ना हो जाए तो ये काउंटर वे में मूव कर सकता है ताकि ये परसिस्टेंटली इंटस्टाइन में रह सके तो ये लोकोमोशन की जो एबिलिटी है इसकी जो मूव करने की एबिलिटी है ये भी एक पैरासिटिक अडाप्टेशन है अगला इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है जिससे कि ये फूड को इंजेस्ट कर सकता है तेजी से अपने अंदर इनगल्फ कर सकता है बाई आ सकिंग एक्शन देन इट ऑल्दो डज नॉट हैव लैक ऑफ इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके पास कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है हालाँकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये इंटस्टाइन में अगर रह रहा है तो वहाँ पर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड आएगा वहाँ पर एडिशनल एंजाइम्स की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी इसके पास एक सीडोसिलोमिक फ्लूड होता है जो हमने बात की इसके अंदर कैविटी है सीडोसिलोम है उस सीडोसिलोम में एक फ्लूड होता है जो उस न्यूट्रियट को बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स में सर्कुलेट करने में मदद करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रेडीमेड फूड कंज्यूम करता है जो कि पहले से डाइजेस्टेड है और उस डाइजेस्टेड फूड को क्योंकि इसके पास ब्लड नहीं है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो सारी सेल्स तक पहुंचाने का काम सीडोसिलोमिक फ्लोइड करता है और इसके पास अनोरबिक रेस्पिरेशन का मोड भी होता है उसका क्या एडवांटेज है इंटस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी अगर ये एरोबिक होता तो शायद इसको सस्टेन करने में मुश्किल होती इसलिए इसने एनोरबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन चूज़ किया एंड दैट हेल्प्स इन दी सर्वाइवल तो ये कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशन है एस्कैरिस के जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अब तक हमने सिर्फ पैरासिटिक एस्कल हेलमथीज यानी कि राउंड वाम्स की बात की लेकिन एक राउंड वॉम ऐसा भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में और वो फ्री लिविंग है वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है वह हमारे लिए कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो एक यूजफुल ऑर्गेनिज्म है एंड रिसर्च में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सिनोरेबडाइटस एलिगेंस सी एलिगेंस का नाम हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो यह एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है तो क्या आप जानते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों यूज किए जाते हैं तो इससे पहले कि हम सी एलिगेंस के बारे में कुछ चीज़ें देखें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडल ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है और वो साइंटिफिक रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स करने के काम आते हैं बैक्टीरिया के केस में इकोलाई e. एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है हेलमेंट्स के केस में सिनोरेबडाइटस एलिगेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है इंसेक्ट्स की अगर आप बात करें आप तो ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर जेनेटिक्स में भी काम आती है वो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है रेट्स और माइस एक मेमेलियन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं तो मॉडल ऑर्गेनिज्म बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो चुकी है और उसको ग्रो करना उसको कल्चर करना बहुत आसान है एंड वी ऑल्सो नो अबाउट द जेनेटिक मेकअप बायो केमिस्ट्री एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं सी एलिगेंस के बारे में एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल क्रीचर एक बहुत छोटा क्रीचर है uh, कुछ सेंटीमीटर्स बड़ा होता है और ये फ्लिकरिंग मूवमेंट करता है अपने बॉडी के जो ब्रोकन पार्ट्स हैं उनकी मदद से 1965 में सबसे पहले सिडनी ब्रनर ने सिनोराबडाइटस एलिगेंस को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह प्रपोज किया था कि इस पर साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं इसका जो पूरा सिस्टम है ऑर्गन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है काउंटेबल सेल्स होती हैं इसके अंदर जिसकी वजह से हम किसी भी सेल में कोई भी स्टडी करना चाहें तो बहुत आसान होता है एंड uh, ये एक निमटोट तो है ही क्योंकि हम एस्कल हेलमेंथीज के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत तेजी से ये डिवाइड होता है तीन दिन में ही इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है और बहुत छोटा साइज़ है करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर का है जब ये कम्प्लीटली एडल्ट होता है तो इनको कल्चर करना भी बहुत आसान होता है जैसे आप बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं ऐसे ही सी एलिगेंस को एक प्लेट में ग्रो करा सकते हैं ये एक एडवांटेज है इसकी बेसिक एनाटॉमी बहुत सिंपल है इसमें सारे वो बेसिक पार्ट हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं इट हैज़ गॉट अ माउथ फेरिंग्स इंटेस्टाइन गुनाड्स एंड अवटिकल ओवर इट ना न्यूरॉन्स भी इसमें होती हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड नर्वस सिस्टम होता है इसमें और इसके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें बेसिकली डेंड्राइड्स होते हैं जो सेल्स से न्यूरो की मदद से सिग्नल को परसीव करते हैं और वो बाकी सेल्स तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं एंड ऑल दो दे डोंट हैव अ ब्रेन बट एक नर्व्स का एक बंच कह सकते हो आप एक नर्वस का गेंगल्यून जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम नर्व रिंग कहते हैं दैट रिंग हेल्प्स इन दी ट्रांस कम्यूनिकेशन बिटवीन वन सेल टू अनदर सेल तो ये एक सबसे सिम्प्लीफाइड वर्जन है एनिमल्स का तो अगर कोई एनिमल्स पर स्टडी करना चाहता है और उनको कल्चर करने की डिफ़िकल्टी है सो सी एलिगेंस कैन बी यूज एज अ वेरी गुड मॉडल तो फाइनली एक पॉइंट और सी एलिगेंस के बारे में कि इसकी ब्रीडिंग जो है वो भी आर्टिफिशियली की जा सकती है इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इज़ हार्मोफ्लोराइट इन नेचर एंड इट ऑल्सो हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू हार्मोफ्लोराइट ऑर्गेनिजम्स सो रिसर्चर्स ऑफन यूज द सी एलिगेंस दे ब्रीड इन द लेबोरेटरी एंड लॉट ऑफ म्यूटेंट्स हैव ऑल्सो बीन क्रिएटेड बहुत सारे म्यूटेटेड वर्जन या म्यूटेंट्स भी क्रिएट किए गए हैं सी एलिगेंस के जो कि एक्सटेंसिवली यूजफुल होते हैं स्टडी के लिए तो दो फेसज हमने देखे एस्कल हेलमथीज़ के इस पूरी वीडियो की मैं समरी आपको बताना चाहूँगा कि क्या हमने इसमें डिस्कस किया हमने स्टार्ट किया था एस्कल हेलमथीज़ के जनरल फीचर्स से कि एस्कल हलमन्तीस क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है फिर हमने उनकी तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में डिस्कशन किया उसका क्लास लेवल का क्लासिफिकेशन देखा और हमने दो इम्पॉर्टेंट एस्कल हलमन्तीस की बात की एक जो कि बीमारी करता है जो कि हार्मफुल है और एक जो यूज़फुल है हार्मफुल वाला एस्कैरिस है जो एस्कैरियसिस करता है स्टोमक में अपसेट स्टोमक में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और दूसरा जो यूजफुल है दैट इज कॉल्ड एज सी एलिगेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं और अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ई कापी एक्सेस कर सकते हैं और उसे रेफर कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग डू नॉट To subscribe and like the channel. Please press the bell icon for updates. Thank you. All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.